हेलो फ्रेंड्स, दो दशमलव वाले संख्या को हम कैसे बदलेंगे। देखिए, जैसे हमने लिखा 1 1 5 अपॉन 3.3, यहाँ पॉइंट लगाइए, तो लिखे 1.5 अपॉन 3.3 गुणे 1/1। एक एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसको लिखे हम, एक ये दशमलव हटाना है, ये 1 1 5 अपॉन 33 इंटू 1/1, यहाँ से दशमलव हटाए हैं तो इसलिए यहाँ जीरो लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसको 115 का भाग देंगे, 115 का भाग देंगे, ठीक। 33 3 99, ये आपका आया 15 में से 9 गए 6, 10 में से 9 गए 1, 0। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर देंगे 33 30 चौका 120 30 25 150, बढ़ जाएगा 3 5 30 चौका 120, 4 3 12 1 4 3 12 1 13 132, ठीक। 10 में 2 गए 8, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया, फिर 0 बढ़ा देंगे। फिर ये जाएगा 8 बार 3 8 24 और 3 9 27 अधिक हो जाएगा, 3 8 24 के 2 3 8 24 2 26, ठीक। 264 आ गया, 10 में 4 गए 6 7 में 6 गए 1, फिर यहाँ 0 ले लेंगे, 0 यहाँ लेंगे तो ये जाएगा आपका 33 30 चौका 120 30 25 150, 3 5 15 बढ़ जाएगा, फिर 4 बढ़ जाएगा, 3 चौक 12 3 चौक 12 13, 10 में 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 28, इस तरह से करते जाएंगे दशमलव दशमलव बढ़ सकते, तो हम 3 ही अंक लिखेंगे। आया आंसर 3.484, ठीक, इंटू 10। तो ये हमको गुणा करना है तो ये वाला आगे चला जाएगा, तो आंसर आएगा 34.84 आंसर आएगा, ठीक ठीक है। अब इसी को हम दूसरे हिसाब से करते हैं कि अंश में दशमलव हो, 1.15 भागा 33, मतलब इसमें अंश में है, हर में न, तो इसको हम लिखेंगे 1.15 अपॉन 33, तो गुणे 1 1 कर देंगे, तो हमें फिर ये दशमलव हटाना है तो लिखें, फिर साफ कर लें, 1.15 33 गुणे 1, इसमें कोई दशमलव है नहीं इसलिए 1, और इसमें है दशमलव 2 के बाद तो 1 0, तो ये आएगा आपका 33 हो गया, 115/33 1/100, तो वही आंसर आएगा जो भाग दे के हम पहले निकाले हैं, 3.484, ठीक, और गुणे 1/100। जब ये सौ है तो ये दो अंक इधर है तो ये दशमलव के बाद दो अंक लग जाएगा, अगर एक होता तो एक के बाद लगता, दो है दो के बाद, तो हमारा आंसर आ गया 0.3484, ठीक, ये आंसर आ गया। फिर एक बार इसी को रिपीट कर दें, अगर हमारे अंश में है दशमलव हर में नहीं है तो लिखा जाएगा 1.15/33 गुणे 1 1 कर दिया जाएगा, एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे ये 1 1 15 लिख दिए 33, यहाँ पे 2 दशमलव है तो ये नीचे 2 दशमलव बढ़ जाएगा, क्रॉस में होता है, और एक इधर नहीं है कुछ नहीं, फिर ये भाग दिए हैं 33 में 115 का, ये आपको पहले दिखा चुके हैं, 3484 आया, 3484 इंटू 1/100 आंसर 0.3480, ये आ गया, ठीक। मतलब ये दो अंक है इधर, दो अंक है तो ये दो अंक इधर, पहले ये यहाँ से दो अंक इसमें लिख दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से दशमलव को बदलते हैं।
दो दशमलव वाली संख्या को बदलते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।